फुल कर गई चुल। लड़की कर गई चुल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे रजीव, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और लेके आ गया हूँ इस हफ्ते के कुछ मीठी बातें और बहुत सारे प्यारे गीत। दोस्तों, पिछले हफ्ते फ्राइडे को मुझे सुनने को मिले कुछ बहुत ही मेलोडियस ओपी नायर्स के गाने जो प्रेजेंट किए गए थे इन द प्रोग्राम म्यूजिकल नाइट कॉल्ड फिर वही दिल लाया हूँ। और उस प्रोग्राम में 4 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक, ब्यूटिफुल मेलोडीज जो प्रेजेंट किए संगीता माथुर सिमलोट और उनके टीम मेंबर्स ने। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं एक छोटी बातचीत करूंगा संगीता माथुर सिमलोट जी से, उनसे पता करूंगा कि व्हाट इट टेक्स टू पुट अ प्रोग्राम लाइक दिस टुगेदर। सुनेंगे कुछ ओपी नैयर जी की मेलोडियस नंबर्स एंड ऑल्सो सम सॉन्ग्स दैट आई वॉज एबल टू रिकॉर्ड ऑन दैट डे, सो वील बी एबल टू प्ले दोज रॉ नंबर्स फॉर यू as those local talents sang on that particular day. तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये मीठा सफ़र, कुछ मीठी बातें, बहुत सारे प्यारे गीत with wonderful, wonderful melodies and a beautiful discussion with Sangeeta Mathur Simlot. सुनते रहिए Party with Rajiv only on Radio Zindagi. जी जा संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने
हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। और रुत हसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हसी चल यूं ही चल दे कहीं, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन, तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको दिल भी तू ही, राह भी तू मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा, मांग के साथ तुम्हारा, मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पिछले हफ्ते फ्राइडे को मुझे मौका मिला टू लिसन टू सम मेलोडियस नंबर्स ऑफ ओपी नैयर्स म्यूजिक विच वॉज प्रेजेंटेड इन द म्यूजिकल इवनिंग कॉल्ड फिर वही दिल लाया हूँ। एंड द माइंड द हार्ट द सोल बिहाइंड दिस प्रोग्राम वॉज संगीता माथुर सिमलोट जी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे प्रोग्राम में आई हैव संगीता माथुर जी जॉइनिंग मी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरव्यू। एंड उनसे मैं बातें करना चाहूँगा कि हाउ डज दिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर, हाउ द टीम इज़ पुट टुगेदर, वॉट ऑल गोज इन टू प्रेजेंटिंग अ शो लाइक दैट। संगीता जी, वेलकम टू आवर शो पाड़ी विद रजीव ऑन रेडियो जिंदगी। थैंक यू सो मच रजीव फॉर कॉलिंग मी ऑन द रेडियो। ओह, यू वेलकम। पिछले हफ्ते फ्राइडे को आई वॉज पार्ट ऑफ द शो, आई वॉज ऑल्सो सिटिंग इन द ऑडियंस, और 4 घंटे का नॉन स्टॉप शो एंड सच मेलोडियस नंबर संगीता की, मैं तो कहता हूँ कि सारे जितने भी वहाँ लोग थे, दर्शक थे, देव सब मंत्रमुग्ध हो गए होंगे, और किसी का भी मन नहीं था कि वो प्रोग्राम खत्म हो, मन करता था कि गाने चलते जाए चलते जाए चलते जाए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आई नो दैट अ लॉट गोज इन टू पुटिंग अ प्रोग्राम लाइक दिस टुगेदर, अब जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है और देयर नो मोर रिहर्सल्स लाइंड अप, how are you guys coping with the vacuum? It is kind of hard, Rajiv. I'm glad you brought that up. So during the show planning, preparation and executing the plans and doing the show, after that, the next day, it felt like if we are empty nesters. I felt like my parents whose kids have gone back to college. So that's the feeling of emptiness that we got. So yes, it is quite a change. और संगीता, मैंने पता नहीं ये बात आपको बताई है कि नहीं, क्योंकि यू गेव मी एंड लीना एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ वॉल्स डांस ऑन दिस वंडरफुल सॉन्ग जो हिमांशु जी और विनीता जी ने गाया था, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। और मैंने अपने डैड से बात की तो ही वॉज टेलिंग दिस इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एंड ही लव्ड इट सो मच। और जिस तरह से हिमांशु जी और विनीता जी ने इसको प्रेजेंट किया था, द सॉन्ग केम आउट सो ब्यूटिफुल, एंड आई एम श्योर कि
कई लोग जो उस जनरेशन के हैं जिन्होंने ओपी नैयर के म्यूज़िक के साथ बड़े हुए हैं, जब उन्होंने ये गाना और जितने गाने आप लोगों ने प्रेजेंट किए थे सुने होंगे, दे ऑल वुड हैव गॉन बैक टू द मेमोरी लेंस ऑफ दोज ब्यूटिफुल हमेबल डेज जब ये गाने रिलीज हुए थे और उसके बाद सब लोगों ने सुने थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हेन यू सेलेक्टेड दिस सॉन्ग्स 4 आवर्स ऑफ म्यूजिकल जर्नी, हाउ डिड यू गाइस गो अबाउट डूइंग दैट? Was done by the CEO of Opie Nair Memorial Trust in Boston. He does the shows in Boston every year, and the songs were selected on the basis of the variety of songs. You know, Opie Nair has composed a lot of songs, and many people know him for his foot tapping, like the horse galloping music. But not many know that he has also composed classical music also. So we just kind of wanted to do a variety of songs and include a few songs from each one of his variety of compositions that he had done. And I think it worked out well. And I'm glad you brought up the song Meri Neendon Mein Tum. What an honor to find out that your father loved that song. And I'm really happy that he got to listen to this. Oh yeah, jab maine unse baat ki to he started to sing that song on the phone itself, and it really brought tears for me, and I'm sure it brought some wonderful memories for him. To kyun na hamare sabhi sunne walon ke sath Kishore Kumar aur Shamshad Begum ka gaya hua ye bahut hi pyara gana Meri Neendon Mein Tum Mere Khwabon Mein Gum sunte hain, aur uske baad aapse baatcheet jari rakhenge. Sunte rahiye Party with Rajeev only on Radio Zindagi. Jiye ja. मन की धुन तू पलम आज सुन मेरी
सी है निगाहें, नशा सा रहा है के दिल गा रहा है तेरी रागनी। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू पलंग दोस्तों, मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद रजीव। दोस्तों, आज का प्रोग्राम इज़ अ वेरी स्पेशल सेगमेंट दैट आई हैव ब्रॉट टुगेदर फॉर यू गाइस। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं संगीता माथुर सिमलोट जी, जो हमारे साथ शेयर कर रही हैं हर एक्सपीरियंसेस ऑफ पुटिंग अ प्रोग्राम टुगेदर ऑफ सच मैग्नीट्यूड। संगीता जी, बातचीत जारी रखते हैं। जब आप इन आर्टिस्ट को ढूंढ रही थी, क्योंकि एवरी वन ऑफ देम, ऑल द 10 दैट यू हैड ऑन योर टीम, एवरी वन ऑफ देम वाज जस्ट ऑसम। लाइक लगता था जैसे आपने हीरे कहीं से चुन के लाए हैं, और लाइक यू हैव सेलेक्टेड देम सो परफेक्टली वेल बिकॉज दे सूटेड द सॉन्ग्स दैट दे सैंग। सो कैसे ढूंढे आपने ये नगीने? देखिए, सॉन्ग्स की लिस्ट हमारे पास कि ये गाने गाए जाएंगे तो उन गानों पे किसकी आवाज ज्यादा सूट करेगी। हमारे यहाँ पर वॉशिंगटन एरिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है। आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू हाउ वंडरफुल दोस सिंगर्स आर। सो एक एक गाने को सिराची ने सबका स्काइप इंटरव्यू लिया और उनकी आवाज सुनी, और उसके बेसिस पे उन्होंने उनको गाने असाइन किए कि ये आवाज, जैसे अभिनीता जी की हैवी बेस वाली आवाज है, तो उन्होंने कहा शमशाद बेगम के, गीता दत्त के गाने इन पर ज्यादा सूट करेंगे, और हिमांशु जी किशोर दा के गाने गाएंगे। तो इस तरह से मतलब थोड़ी बहुत प्लानिंग इसमें रही, थोड़ा साइड सेशंस हुए 3-4, उसके बाद में ये सॉन्ग सिलेक्शन हुआ, टू सिंग द सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द सॉन्ग। वाओ। एंड वंस द सिलेक्शंस वर डन, आप सिंगर के साथ आप लोगों ने काम किया कि ये वाला सॉन्ग दे आर कंफर्टेबल सिंगिंग और नॉट, और हाउ डिड दे बेसिकली टुक अप द चैलेंज ऑन व्हाट एवर सॉन्ग्स वर असाइंड टू देम? दे आर बेसिकली वेरी गुड सिंगर्स, सो आई डोंट थिंक नी वन ऑफ देम हैड नी प्रॉब्लम्स कैरिंग ऑन विद द प्लानिंग, बिकॉज एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल इन डूइंग व्हाट दे वर असाइंड do, and if woman had any problems we switched around the songs and we tried, so basically it worked out well. Great. And इससे पहले कि हम अगला गाना सुने जो मैं हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी आई वुड से रॉ नंबर, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था ये गाना व्हेन आई लिसन टू इट। इट्स अ मेडली दैट योर टीम पुट टुगेदर, और उसको सुनने से पहले मैं आपके सारे टीम मेंबर्स के नाम अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें ऑफ कोर्स यू आर द हार्ट एंड सोल संगीता जी, आपके साथ आपकी सिस्टर थी शमा माथुर गर्ग, हिमांशु चौधरी जी थे, श्रीधर या परशुराम अय्यर, शेख अब्दुल रहमान, चेतना गोला, विनीता जी, नवीन माथुर जी, पूजा माथुर और राकेश माथुर। दैट वॉज योर टीम ऑफ what you called it as team of 10, right? Or team 10, whatever name you guys gave them. But all of them really pulled it off really well.
तो अगला गाना मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इट्स अ मेलोडी, इट्स अ मेडली दैट द टीम हैड पुट टुगेदर. शुरुआत होती है पिया 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 मोरा जिया पुकारे से. तो सुनते हैं हमारी लिसनर्स के साथ. दिस इज़ अ रॉ नंबर, सो थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि पीछे ऑडियंस की क्लैप्स एंड अप्रिसिएशन की आवाज़ भी आएगी. बट आई होप यू ऑल लाइक इट एंड विल गेट द फील ऑन एग्जैक्टली द एक्साइटमेंट दैट वॉज देयर ऑन दैट पर्टिकुलर इवनिंग वेन दिस शो वॉज प्रेजेंटेड. तो और संगीता जी से बातें जारी रखेंगे. पहले सुनते हैं ये वंडरफुल मेडली विच वॉज प्रेजेंटेड लास्ट वीक एट फिर वही दिल लाया हूँ प्रोग्राम. सुनते रहिए पॉडी विद रजीव ऑनली ऑन रेडियो जिंदगी. जिए जा. I'm not afraid to die.
दोस्तों आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं संगीता माथुर सिमलोट जी ने द हार्ट एंड सोल बिहाइंड पुटिंग द फिर वही दिल लाया हूं प्रोग्राम अ वेरी 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 सक्सेसफुल म्यूजिकल इवनिंग बेस्ड ऑन ओपी नैयर मेलोडीज। और संगीता माथुर जी आपने एक गजल गाई थी इस इवनिंग में चैन से आपने हमको जीने ना दिया अवार्ड विनिंग नंबर ऑफ ओपी नैयर और आई पर्सनली थिंक दैट केम आउट सो गुड द वे आपकी ड्रेसिंग थी आपकी प्रेजेंटेशन थी द वे यू स्टूड ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंटेड दैट सॉन्ग आई एम श्योर इट टच्ड अ लॉट ऑफ पीपल्स हार्ट्स। तो अगर इफ आई डोंट पुट यू ऑन द स्पॉट कैन यू प्लीज सिंग कपल ऑफ लाइंस ऑफ दैट सॉन्ग ताकि हमारे सभी लिसनर जिन्होंने प्रोग्राम को मिस किया था वो इस प्यारे से गाने की कुछ लाइन सुन सकें आपकी आवाज में। We tried. I was not prepared for this. But, sorry for putting you on the spot there. I'll try my best. Hum ko kabhi aapne jeene na diya Wow. So this was just a short sample of what you can, listeners हमारे imagine कर सकते हैं what a wonderful, beautiful evening it would have been. मेरा मन कर रहा है कि इससे पहले कि हम इस program को आगे बढ़ाएं, if you don't mind, we would love to listen to this song with all our listeners. तो सुनते हैं ये अगला गाना आशा जी की आवाज़ में सुनते रहिए पौड़ी विद रुजीव only on Radio जिंदगी जिए जा Yeah.
मैं हूं आरजे रजीव और आप सुन रहे हैं पहाड़ी विद रजीव। दोस्तों, आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं संगीता माथुर सिमलोट जी से, द हार्ट एंड सोल बिहाइंड फिर वही दिल लाया हूं प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम बेस्ड ऑन ओपी नायर्स म्यूजिक। संगीता जी, आई नो दैट द 10 सिंगर्स हु सैंग द सॉन्ग्स, दे वर अप ऑन द स्टेज एंड लॉट ऑफ द ऑडियंस गॉट टू सी देम, अप्रिशिएट द सिंगिंग एटसेट्रा, बट इस तरह का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए देयर सो मच हेल्प दैट गोज बिहाइंड द सीन, द एमसीज लाइक शालिनी जी, सिराज खान जी और आल्सो निशा जी जो लोग थे, और दूसरे जो पीपल हु आर डूइंग द वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, द साउंड पीपल, द लाइट फोक्स, एवरीवन एल्स हु आर रनिंग अराउंड बिहाइंड द सीन टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, जब भी इस कैलिबर का कोई प्रोग्राम होता है तो नंबर वन थिंग इज द टीम वर्क। बिना एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम के ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। Absolutely. हमने प्रोग्राम की रूपरेखा रखी थी, जब प्रोग्राम प्लान किया था द बिगेस्ट हर्डल वाज वेयर टू होस्ट इट। तो उसमें एक शख्स का मैं नाम लेना जरूरी समझती हूँ जो कि हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग अस द हॉल एंड बुकिंग एवरीथिंग फॉर अस, सो दैट हेल्प्ड अस अ ग्रेट डील, मिस्टर किरी तुदेशी, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही स्टेड बिहाइंड द सीन थ्रू आउट द प्रोग्राम, ऑल्दो ही वाज नॉट एबल टू अटेंड द प्रोग्राम फॉर पर्सनल रीजंस, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन बुकिंग द हॉल and taking up so much responsibility and organizing the ticket sale. So it's a thankless job. He had helped us tremendously. And the other person is Parsuram Iyer, who we know as Sridhar, and he has helped a great deal in organizing. He came in as a volunteer. We never asked him for help, but he just was in it from start to finish, and he made sure that the singers were practicing, and he just instrumental in organizing the rest of the program. So yeah, I'm thankful to both of them. Wow, yeah. And also the music system, right? The sound system was just awesome, because कई बार होता है कि अगर sound system सही ना हो तो जितने भी अच्छे गायक हों गायिकाएं हों उनकी आवाज़ अगर ठीक ठाक नहीं पहुंचे तो इट पुट्स अ डैम्पर ऑन द होल शो, बट आप लोगों का साउंड सिस्टम वाज जस्ट एक्सलेंट। वाज दैट बिकॉज ऑफ अ स्पेशल ग्रुप और ये स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया था? The sound system was provided by the school, and Moses Chavan, who is the sound engineer in the area, he brought in his sound system also. So together, the sound system was fantastic. I mean, this was more than what we had hoped for. So between Moses and Randy, who works at Laurel High School, so between the two of them, it went flawlessly. It absolutely did. And so aapne Sridhar ka naam liya as one of the person who was very instrumental in helping and putting this thing together. So kyun na hum apne singer listeners ke saath उनकी आवाज़ और पूजा माथुर की आवाज़ में गाया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गाना आंखों ही आंखों में इशारा हो गया सुनते हैं। सुनते रहिए पहाड़ी विद रजीव और संगीता जी से बातचीत जारी रखेंगे इस गाने के बाद। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों की आँखों में। बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया,
ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। जीने का सहारा हो गया, आँखों की आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों की आँखों में। जीने का सहारा हो गया, आँखों की आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों की आँखों में। जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये वो गाना था। अब तक आप इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि आज हम बातें कर रहे हैं, फिर वही दिल लाया हूँ प्रोग्राम की, जो प्रेजेंट हुआ था लास्ट फ्राइडे इवनिंग को। और हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं संगीता माथुर सिमलोट जी। एंड संगीता, मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों ने ये प्रोग्राम देखा, हु टुक आउट टाइम टू कम एंड बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, दे रियली गॉट अ ट्रीट ऑफ द म्यूजिकल जर्नी। और आज ये प्रोग्राम सुनने के बाद कई लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम क्यों मिस किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगी उनसे जिन्होंने इस प्रोग्राम को मिस किया है, एंड इफ एनीथिंग लाइक दिस विल बी कमिंग अप इन द नियर फ्यूचर। जो लोग थे वहाँ पर प्रोग्राम देखने के लिए आए, उनको मेरा शुक्रिया तहे दिल से, और टाइम निकाल के आए फ्राइडे नाइट को अपना काम सब खत्म करके, तो उनके लिए मेनी थैंक्स। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम मिस किया उनको मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मिस किया है, बट दिस इज नॉट द एंड, एंड हम लोग फिर आएंगे इसी तरह के प्रोग्राम लेकर। अ फ्यू मंथ्स लेटर, मे बी नेक्स्ट ईयर 2017, वी आर थिंकिंग अबाउट स्प्रिंग टाइम, तो हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट थीम के प्रोग्राम्स करते रहेंगे, एंड मोस्ट लाइकली अगेन इट विल बी अ चैरिटेबल शो, सो जरूर याद रखिएगा स्प्रिंग ऑफ 2017 में हम लोग फिर इसी तरह का प्रोग्राम लेकर आएंगे, नॉट नेसेसरली ओपी नई ईयर प्रोग्राम, बट समथिंग अलॉन्ग द सेम लाइन्स,
So stay tuned, and we would love to see all of you. It's a project that we have taken in our hands, and it's a charitable organization, EduGrowth, and we are committed to help them through our music. We love to sing. So what better way to do charity than to use your passion towards it? So, absolutely. Great. और दोस्तों जिन्होंने ये प्रोग्राम मिस किया है, प्लीज डू नॉट मिस एनी ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम, बिकॉज मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड इट इज लिटरली नॉन स्टॉप म्यूजिक. और कई लोग जो वहाँ पे थे, इंक्लूडिंग मी, वी वर जस्ट डांसिंग अवे टू सम ऑफ द ब्यूटिफुल मेलोडीज ऑफ ओपी नैयर जी. तो अगला गाना सुनते हैं, दीवाना हुआ बादल. और जाने से पहले संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर वंडरफुल गेस्ट ऑन द शो टुडे. और आपके साथ आई वुड से द नेम्स ऑफ योर द टीम ऑफ 10 वन मोर टाइम, एंड थैंक्स टू ऑल द सिंगर्स फॉर एंटरटेनिंग अस टू ओपी नैयर्स मेलोडियस नंबर्स. संगीता जी, शमा, हिमांशु, श्रीधर, शेख अब्दुल रहमान, चेतना, विनीता, नवीन माथुर, पूजा माथुर और राकेश माथुर. दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के गाने, आज की बातें आपको पसंद आई होंगी. सुनते रहिए पौड़ी विद रजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी. जिए जा. दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई. ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल. ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है. ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई. ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल. और
पर बजने लगे शहनाई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल से खिजा का मौसम था, परसों से खिजा का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया गवार आई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, पर जाते जाते आई वुड लाइक टू थैंक संगीता माथुर सिमलोट जी जो आज के प्रोग्राम में हमारी गेस्ट थी, और मैं आशा करता हूँ कि आज के चुने हुए गाने आपको पसंद आए होंगे, आज की मीठी बातें पसंद आई होंगी, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर सच शोज फ्रॉम संगीता माथुर सिमलोट जी आपकी तरफ से और आपके टीम की तरफ से। और दोस्तों, चलते चलते अब बिग हग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे। सुनते रहिए पौड़ी विद रुजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। सीख
के खुद कर दिया हूँ मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। ओ माना के जान जहाँ लाखों में तुम एक हो हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से।